हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ पनीर की भुर्जी की रेसिपी शेयर करूंगी। उसके लिए मैंने पनीर ले लिया है, हरी मिर्च, टमाटर और प्याज। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को बनाना। सबसे पहले मैंने फ्राई पैन में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल गरम हो गया है, अब मैं इसमें जीरा डाल दूँगी, थोड़ी हींग और प्याज। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया है, अब मैं इसमें अपने टमाटर डाल दूंगी। हरी मिर्च डालूंगी। अब इनको अच्छी तरह से पका लेंगे। और दोस्तों, हरी मिर्च तो ऑप्शनल है, आपका मन करे तो डाल सकते हैं, वरना छोड़ भी सकते हैं। अब मैं इसमें अपने मसाले डालूंगी। अब मैं इसमें अपना धनिया पाउडर डालूंगी, एक चम्मच। हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, और नमक। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। टमाटरों को चमचे की सहायता से दबाते हुए उसको पीस लेंगे। नरम होने के बाद टमाटर बड़ी आसानी से पीस जाते हैं चमचे से। ये देखिए फ्रेंड्स, टमाटरों में से तेल अलग हो गया है, इसका मतलब ये बहुत अच्छी तरह से पक गए हैं। अब मैं इसमें अपना पनीर डाल लूँगी। पनीर को हम ऐसा चूरा कर करके डालेंगे। पनीर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसे एक मिनट के लिए पका लूँगी। इसमें पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता। ये देखिए फ्रेंड्स, पनीर की भुर्जी बनकर तैयार है। अब मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ और ये बहुत ही अच्छी बनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म पनीर की भुर्जी बनकर तैयार है। क्यों, दिख रही है ना बहुत अच्छी? आप भी खा लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो की इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।